भीषण गर्मी के चलते गांवों में पेयजल की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। गांव कौंडल की सैकड़ों महिलाओं ने बताया कि गांव में पानी की सप्लाई ठीक ढंग से नहीं होने के चलते काफी परेशान है। पानी की समस्या को लेकर हतीन में भी जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को अवगत करवाया गया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं किया गया। अब महिलाएं जन स्वास्थ्य विभाग के अधीक्षक अभियंता के पास शिकायत लेकर आई हैं। पानी की समस्या जी, इसलिए आए ऑफिस पे। जा दिन थे बूस्टर बने, उसी दिन थे समस्या हमारे लिए तो, ऊपर के लिए तो। गंदा पानी, इतना गंदा पानी है, कीड़े परे रहते हैं उसमें। हतीन हम गए जी वहाँ सीखना जेई के पास, उसने हमारे कोई सलूशन ना लिखा रहे इस बात का, जो कह दी जाओ तैयारी जैसी तो नहीं आती रहे रोज यहाँ पे। कनेक्शन काट देते हैं, कनेक्शन काटने के बाद दूसरे दिन फिर लगा लेते हैं। यहाँ पे आए, यहाँ भी कोई सलूशन ना लेकर रोजी नहीं हो गया। हमारे पास पैपन के पैसा ना है, सरपंच साहब ने कही भी के पैसा हम दे देंगे। हम लिख दो एक बार कि हमारे पास पैसा ना है, हम दे देंगे। गांव के सरपंच संदीप तेवतिया ने बताया कि गांव कौंडल में पानी के कई बूस्टर बने हुए हैं, लेकिन बूस्टरों का रखरखाव ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा है। गांव में पानी की जो लाइन बिछाई गई है, उससे गांव के ऊंचे इलाके में पानी नहीं पहुंच पाता है। पानी की सप्लाई वाली लाइन में जगह जगह अवैध कनेक्शन किए गए हैं, ऊंचे इलाके में पानी नहीं पहुंच पाता है। उन्होंने कहा कि गांव में पानी की सप्लाई सुचारू रूप से करने के लिए अवैध कनेक्शन बंद किए जाएं। हमारे गांव में एक ऊंचाई पे कुछ 150 के परिवार रहते हैं, वहाँ पे आज तक पानी की इतनी समस्या बनी हुई है कि लोग के पास बहुत दूर दूर से पानी ढो के लाना पड़ता है। आज के टाइम में भी लोग इतने परेशान है पानी के लिए, जबकि हमारे गांव में 4 बूस्टर बने हुए, लेकिन वो कारण है सिर्फ मैनेजमेंट का। बूस्टर ये पब्लिक हेल्थ वाले लाइन ना तो सही तरीके से गाड़ पाते हैं उसे। हमने इनसे ये कहा कि आप लाइन के ऊपर सीधी मेन लाइन दें और वहाँ से जब रिटर्न लेके आएँ, लेकिन ये उस काम को, क्योंकि उसमें नीचे इतने कनेक्शन हो जाते हैं, लोग अवैध कनेक्शन कर लेते हैं, लोग नीचे पानी चलता रहता है और लोग ऊपर वाले प्यासे रह जाते हैं। उसी समस्या को लेकर हम यहाँ पे आए। तो आज हमने अधिकारियों से कहा, अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि भाई हम आपके गांव में जाते हैं और उस लाइन को देखते हैं, और पब्लिक ने अल्टीमेटम दिया अगर 4-5 दिन में अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो ये कोई और कड़ा कदम उठाएंगे। जन स्वास्थ्य विभाग के अधीक्षक अभियंता जनक राज ने कहा कि गांव के सरपंच और महिलाओं ने कार्यालय आकर पानी की समस्या के बारे में अवगत करवाया है कि गांव में ऊंचे क्षेत्र में पानी नहीं जा पा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि गांव में जाकर के लाइन को चेक करें, अवैध कनेक्शनों को बंद करें और पानी की सप्लाई के लिए अलग से लाइन डाल दी जाए, ताकि गर्मी के मौसम में ग्रामीणों को पीने के पानी की कोई समस्या ना हो। कुंडल गांव से काफ़ी महिलाएं और सरपंच के साथ कुछ आदमी भी आए थे, तो उन्होंने बताया कि उनका एक ऊंचा एरिया है मंदिर के पास, तो उस एरिए में 20-30 घरों में पानी नहीं जाता, और उन्होंने खुद ही कारण भी बताया कि जो शुरू में जो लाइन के पहले जो घर हैं उन्होंने बड़े बड़े कनेक्शन कर रखे हैं और वो खुले रखते हैं। सरपंच ने भी टूटियाँ दे ली, पब्लिक हेल्थ वालों ने उस पर टूटियाँ लगा ली, पर वो उसको टूटियों को छोड़ते नहीं है, उनको वो हटा देते हैं, तो वो ऊपर तक उनके पानी नहीं जाता। तो एक्शन साहब को मैंने यही बुलाया था, उनको बताया है, तो वो गांव वाले सरपंच भी अभी वो गांव में गए हुए हैं, तो उसका वो समाधान देखेंगे कि कैसे, या तो कनेक्शनों को बंद करें या फिर कोई और कोई बाईपास लाइन ऐसी लगाएं जो सीधी ऊपर वाले 20-30 घरों को फीड कर सके, ताकि लोगों को पानी मिल जाए। पलवल के गांव कौंडल में पेयजल संकट बना हुआ है। पेयजल के लिए सैकड़ों महिलाओं ने आज जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय पर आकर के रोष व्यक्त किया और अधीक्षक अभियंता से पेयजल संकट को शीघ्र दूर करने की मांग की। जन स्वास्थ्य विभाग के अधीक्षक अभियंता ने ग्रामीण महिलाओं को आश्वासन देते हुए कहा कि जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौके पर जाकर समस्या का समाधान कर देंगे। पलवल से सतीश भुटानी के साथ वीना चौहान की खास रिपोर्ट।